उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए बयान में कहा कि उनकी बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। अब उन्हें मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वे अपनी बात को मुझसे जोड़कर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, अरविंद केजरीवाल आज उसी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। समाज सेवी अन्ना हजारे उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मुझ मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, कि जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए, अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन की उपज किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान है कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।